उस पथ पर आगे धन बाजार है जहां पर शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। सुबह भारी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार आखिर में मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 104 अंक खिसक कर 61,702 पर लुढ़क गया, साथ ही निफ्टी 35 अंक नीचे 18,385 पर बंद हुआ। तमिलनाडु में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल हुई है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन & टुब्रो वहां 100 से ज्यादा स्कूलों को 11 करोड़ रुपए की मदद देगी। ये पैसा स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों पर खर्च होगा। इसके लिए ये कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। खबर है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशन करने वालों से सख्ती से सरकार निपटेगी। इसके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता मंत्रालय ये गाइडलाइंस जारी कर देगा। कहा जा रहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है लेकिन अगर उसने ग्राहकों को कंटेंट के प्रमोशनल होने की बात साफ नहीं बताई तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। अगर ऐसी जानकारियां छिपाई गई तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में कारोबारियों को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब वहां बाजार और रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक बंद करने होंगे, वहीं शादी के हॉल 10 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला वहां ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान पहले ही महंगाई और अनाज संकट से जूझ रहा है।